नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। आज हम 3 दिन पहले जो स्टॉक का एनालिसिस किया था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX का, उसी का रिव्यू आज लेने वाले हैं। मैंने 3 दिन पहले बताया था कि IEX में एक बहुत सी तेज़ी आने वाली है, लेकिन वो तेज़ी का जो फ़ायदा उठाना है आफ्टर कन्फर्मेशन। जो 3 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, आप जाकर उसमें एक बार देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, कौन कौन से पैटर्न्स पे और कौन कौन सा एनालिसिस प्राइस एक्शन पे हमने डिस्कस किया है। आप जाके वो वीडियो देखिए, ज़रूर आपको उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। और वही वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है आज मैं बनाने वाला हूँ, और उसके ऊपर आपको, इस वीडियो के ऊपर आपको पता चलेगा कि IEX अपने को कितने कितना रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में, मैंने इसमें अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। जैसा ही चार्ट उस दिन बताया था, वही आज चार्ट मैंने ओपन किया है। उस दिन बताया था कि IEX ने मल्टीपल टाइम्स एक लेवल था 153 का, उधर सपोर्ट लिया 3 या 4, और उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद वापस एक रेंज में आके IEX कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद अभी 4-5 2 2 हफ्तों में आप देखोगे तो उसमें से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। मोमेंटम देखने के बाद यहाँ पे एक बहुत सी तेज़ी देखने को मिली। उसमें उसके बाद IEX ने एक जो प्रीवियस उसका जो सपोर्ट था वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस न करते हुए उसको ब्रेकआउट दिया अच्छा विथ वॉल्यूम। आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा बढ़ा है, वो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन रहता है। जब वॉल्यूम और प्राइस दोनों बढ़ते हैं तो दैट वी कैन कॉल दैट अ रियल ब्रेकआउट। सो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि IEX में आने वाले दिनों में कितना रिटर्न अपने को मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया कि दो अच्छे पैटर्न हमने उस दिन फाइंड आउट किए थे। पहला जो था एक कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कप बन रहा था उसका एक हैंडल, लेकिन मैंने बताया था एंट्री लेवल कहाँ पे होना है वो भी डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा पैटर्न बन रहा था वो पैटर्न बन रहा था एक पोल बन रहा था और उसका ये फ्लैग बन रहा था। अभी यहाँ पे आप देखोगे एक कप और हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो चुका है और पोल और फ्लैग का भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो यहाँ पे आज क्लोजिंग के टाइम पे आप एंट्री करते तो भी चलता था, अगर आपको एंट्री करने में चांस नहीं मिला रहेगा या मिस हो गया रहेगा तो आप कल मार्केट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टारगेट्स आपको बता दिए हैं लास्ट वीडियो में, लेकिन आज वापस मैं आपको बताता हूँ। पहला टारगेट इनिशियली अपना 165 रहेगा और सेकंड टारगेट अपना 175 रहेगा, लेकिन इसमें आप देखोगे कि जो है हमने वो जो एनालिसिस किया है एक प्रोबेबिलिटी है। अगर इसके बाद अगर IEX रिवर्स होता है तो अपना स्टॉप लॉस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ पे रखेंगे वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस अपना सिर्फ 5 पॉइंट या 5.5 या 6 पॉइंट का रहेगा। यहाँ पे देखोगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना बैठ रहा है तकरीबन 151। जैसे ही 151 के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो यहाँ से आपको निकलना है। अगर आप 100 क्वांटिटी आप यहाँ पे परचेस करते हो स्टॉक में, तो पहला टारगेट आपको 165 पे बुक करना है और सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करना है 175। मतलब यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है, 1:3 या 1:4 का मिल रहा है। अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप खुद भी एनालिसिस कीजिए, और अपना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उसका भी आप उसका ओपिनियन लीजिए। यहाँ पे मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो व्यू है और जो मैं मेरी पोजीशन क्रिएट करने वाला हूँ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो एक अच्छा स्टॉक है, बहुत दिनों के बाद आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया विद वॉल्यूम। सो यहाँ पे एंट्री तो बनती है, मेरी तो एंट्री बन चुकी है यहाँ पे। आप भी अपना एंट्री बनाना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस कीजिए, और जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसका आप ओपिनियन लीजिए। ठीक है, और इसी तरह मैं डेली आपके लिए ना बहुत अच्छे स्टॉक्स पिकअप करके उसका एनालिसिस मैं अपने चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके रिलेटिव्स दोस्त जो भी शेयर मार्केट में काम करते रहेंगे उनके तक ये वीडियो ज़रूर पास कीजिए, क्योंकि उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनको भी शेयर मार्केट के बारे में अच्छा थोड़ा नॉलेज मिल सकता है। मिलते हैं वापस नए वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ अगले टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।